सारण जिला प्रखंड गरखा का अंतर्गत पंचायत तिरौना के मुखिया मुखलाल महतो ने किस मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं और अपना विजय प्राप्त 1000 मतों से किया है, आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। आखिर हमारे वर्तमान मुखिया जी ने अपने पंचायत में जनताओं को किस प्रकार से सेवा दी है और इतनी भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है और उनके पंचायत में मुख्य समस्या कौन कौन सी है, देखिए आप इस वीडियो। सारण जिले से वर्षा सिंह की खास रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज, और आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है पिरौना पंचायत मुख्य प्रतिनिधि के पास। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस मुद्दों पर चुनाव लड़े, अपना विजय प्राप्त किए हैं और इनके पंचायत में विकास का कार्य विशेष रूप से कौन कौन सा हो चुका है और इनके पंचायत में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है, इसी पर चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। सबसे पहले इस चैनल का स्वागत है सर, अपना परिचय दीजिए। पिरौना पंचायत के मुखिया पति हूँ। पॉलिटिक्स में कर सकते हैं 15 साल हो गया। 1500 कितनी मौतों से मुझे प्राप्त है आपका? करीब करीब 1000 से ज्यादा। 1000 मौतों से मुझे प्राप्त किए हैं सर, ऐसे जनताओं के साथ किस प्रकार सेवा किए हैं, कितनी भारी मौतों से आपको मुझे प्राप्त हुई है? हमने हमेशा अपने पंचायत के जनता के सुख में हमेशा हमने साथ दिया है, साथ रहे हैं। तभी लोगों की जब भी जरूरत पड़ी किसी तरह का मदद करने का हमने मदद किया है सर। तो इतना आपके जनताओं ने आपके विश्वास करते इतने भारी मतों से विजय प्राप्त की है, क्या उनके साथ खरा उतरेंगे जनताओं में? जरूर जरूर। नहीं, और मनरेगा से तो आप जो काम हो रहा है चलिए रहा है, लेकिन पैसा मिलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं मिल रहा है मजदूर को, समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। इस चैनल के माध्यम से तमाम पंचायतों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि हमारे पंचायत का विकास हो, सरकारी योजना जो भी हो सभी के गरीब गुरबा के सभी घर तक पहुंचे, सभी परिवार को मिले, मैं यही चाहूंगा। क्या ये भी तमन्ना है कि 1000 तो वोटिंग से आपकी जीत हुई है तो सभी जनताओं की समस्या को हल करके और अपने पंचायत के कोई आदर्श पंचायत बनाने का आए तमन्ना रहेंगे, अच्छा अगला बार भी चुनाव लड़ने का कोशिश में रहेंगे अच्छे वर्क करके? पहले तो जिसके लिए जनता 5 साल के लिए चुना है पहले वो काम तो किया जाए, उसके बाद की बात है जी। फिर भी एक अपना रहेगा ना सोच? नहीं, सीट बदलते रहता है, हम लोग आरक्षण सीट पर जीते हैं, जनरल सीट हो जाएगा तो उसमें हम लोग नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, दूसरे को मौका देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। ये मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं पिरौना पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि मुखलाल महतो, इनका साफ साफ कहना है कि जो भी समस्या है तो जनताओं का सहयोग चाहिए और उसको जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।